नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तहसील चितरंगी में विगत एक सप्ताह से अघोषित बिजली कटौती होने से दफ्तरी कार्य एवं विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा होने से परेशानी का सबब बना हुआ है। बिजली अघोषित कटौती के मुद्दे पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उपखंड अधिकारी चितरंगी के नाम नायाब तहसीलदार संजय जाट को अघोषित बिजली कटौती को बहाल करने का ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार द्वारा आश्वासन दिया गया कि विद्यार्थियों एवं दफ्तरी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द बिजली बहाल करने की कार्यवाही की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बताया गया कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, इसी तरह प्रदेश की जनता आवाम से छल किया जा रहा है। विगत 15 वर्षों से भाजपा की सरकार थी, लेकिन किसी भी तरह से किसी को कोई समस्या नहीं थी। समस्या यह है कि आज लगातार छठवें दिन चितरंगी में लाइट बिल्कुल दिन भर नहीं रही, पूरे दिन लाइट गोल हो रही है, जिससे कि विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञापन आज माननीय महोदय के नाम सौंपा है। अगर ये जल्द से जल्द समस्या साल वो नहीं होती है, विद्यार्थी परिषद चक्का जाम और आंदोलन करेगा, क्योंकि विद्यार्थियों के बोर्ड के एग्जाम आते से हैं, जिससे पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लगातार 6 दिनों से बिजली जैसे ही सूर्य उदय होता है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर मैं पेश करना चाहूँगा कि सौर बल्ब जो होता है, सूर्य उदय होते ही वो बंद हो जाता है और सूर्यास्त के बाद प्रकाशमान होता है। उसी प्रकार से आपने जो विभाग में अभी जो नए जेई साहब आए हैं, उनकी यह मनमानागिरी चल रही है, लगातार 6 दिनों से देखने को मिल रही है। कभी बिजली उपभोक्ताओं को गलत तरीके से पेश आ करके उनको परेशान करते हैं, तो कभी बिजली कटौती आ रही है, क्या समस्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि आए सामने फ्रंट पे बात करें, आखिर क्या समस्या है? 6 दिनों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, हमारे स्टूडेंट प्रभावित हो रहे हैं, इसको लेकर के अपने विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो उनके द्वारा यह अवगत ज्ञापन के द्वारा अवगत कराया गया है कि चितरंगी क्षेत्र में बिजली का अभाव रहता है और हमारे जिला प्रशासन द्वारा बिजली विभाग से संपर्क करके तत्काल इस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।